इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। डॉक्टर मौलाना आजाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वेलफेयर एसोसिएशन सोलापुर की तरफ से 8 जून को सोलापुर के इम्पीरियल गार्डन में एक दिन का शिविर कामयाब हुआ। इसका मकसद तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास का जो नया सिलेबस आने वाला है उस मनुस्मृति के प्रस्ताव के विरोध में यह शिविर का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हाजी बशीर शेख और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हाजी MD शेख थे। मेहमान खुसूसी हारून करमकर सर, हारून रशीद बागवान सर, बशीर इंडिकर, अयुब नल्लाबंधू, मुस्ताक कानकुर्ती, शफी चौकदार मौजूद थे, जिसमें सोलापुर शहर और जिले से उर्दू मीडियम स्कूल के सभी हेडमास्टर टीचर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम कामयाब बनाने में जुबेर हिपरगी सर, शफी चितापुरी सर, जुबेर मुजावर, हारून तांबोली, इरफान शेख, आकिब सिकंदर शेख, आजम अड्डेवाले, राउब शेख, रमजान चिंजोलकर, शिवकुमार चलवादी, एजाज कुमटे, इन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाया। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी एक रिपोर्ट। डॉक्टर मौलाना आजाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वेलफेयर एसोसिएशन के जानिब से राजमहल हॉल में एक दिन का शिविर सोलापुर शहर और जिले के तमाम हेडमास्टर, प्रिंसिपल और संस्था चालक, इन तमाम जिम्मेदारों का शिविर रखा गया था। इस शिविर में सोलापुर शहर जिले के तमाम महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर पालिका और खाजगी स्कूल के तमाम हेडमास्टर और प्रिंसिपल को बुलाया गया था, जिसमें तमाम लोग आज मौजूद रहे। हमारे उर्दू स्कूल के लिए बहुत से मिसालें, महाराष्ट्र सरकार ने उर्दू स्कूल के अंदर पद भर्ती को बंदी किया, उसको चालू करना चाहिए। ये मनुस्मृति आने वाले जो सिलेबसन है, ये आने वाले सिलेबस में तीसरी से 12वीं तक के क्लास के लिए मनाचा श्लोक और भगवत गीता ला रहे। हम हमारे नस्लों को पढ़ाना नहीं चाहते। कोई ये घुसड़ना चाहिए चाहेगा तो उसको रोकने की हिम्मत भारत देश के मुसलमानों में है। सिर्फ जागरूकता नहीं है तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि तमाम मुसलमान जागरूक जागे और एक जगह है। आने वाले इतवार 23 तारीख को बहुत बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बुलाया जा रहा है। उस जलसे में तमाम लोग शामिल हो और शामिल होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और आज जितने भी यहाँ पर ठहरा हुए उस तमाम ठहराव का मैं पाठ पूरा होकर के आने वाले 23 तारीख तक आधे से ज़्यादा कामकाज पूरे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और ऐलान भी करता हूँ। काम को अंजाम तक पहुँचाने की इंशाल्लाह मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। शेख साहब ने जो प्रोग्राम लिया है मौलाना आजाद एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से जो प्रोग्राम लिया है, एक कामयाब प्रोग्राम रहा और इतने लोग दिल से सब बातें सुन रहे थे। और ये हमारा टाइगर है, ये MD शेख साहब, और ये टाइगर हमें जब भी हाँ करेंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ में रहेंगे और सारी कौम उनके साथ में है। जो भी मुस्लिम के मसाइल जो भी रहेंगे वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। MD शेख साहब में वो ताकत है, वो हुनर है, अल्लाह ने उनको ये सब कुछ दिया है। तो सब किताबें जो है ट्रेनिंग सेंटर पर जाती थी सिवाय उर्दू के, बार बार जो है झगड़ा करना पड़ता था MSCRT में, बाल भारती में, कि उर्दू की किताबें जो है ट्रेनिंग को जो है हमारे टीचर्स को जो है अवेलेबल कराओ, क्योंकि विदाउट किताब जो है ट्रेनिंग नहीं हो सकती। फिर भी जो है सब में आखिर में जो है उर्दू की किताबें जो है मुहैया की जाती है। ये पहले सी जो है इस तरह से तासुब हमारे साथ रहा है और साहबा रिजवान अल्लाह तआला अजमईन के जो है इनके अखबार में तो कम से कम जो है मौलाना आजाद वगैरह के जो है अखबार को लिया जाकर पहले से एक तासुब है, ये नई बात नहीं है। अब तो जो है हमको जो है खुल्ला खुल्ला जो है हमारे उर्दू निसाब में, उर्दू के निसाब में जो है हमें जो है श्लोक तीसरी से लेके जो है 12वीं के बच्चों मनुस्मृति इसके जो है श्लोक जो है हमारे बच्चों को पढ़ाए जाने वाले, भगवत गीता, रामायण, इस तरह से दूसरी किताबों के जो है श्लोक भी आने वाले हैं और उनके कैरेक्टर को
जो है हमारे मुस्लिम बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। जबरदस्ती से जो है हर मीडियम, क्योंकि कम से कम जो है हर मीडियम के लिए 3 लैंग्वेज कंपलसरी की गई है। एनडी साहब, चूँकि ये से इंतजामी कामों में और तहरीकों में आपका तजुर्बा बहुत बड़ा है, हमारी इतनी उम्र नहीं है सर का उतना तजुर्बा है इस बारे में कि वो किस तरह से काम किया जाए, तो मेरी सिर्फ एक तजवीज़ सी उसमें ये है कि एक ईमेल का जो मामला है वो तहरीक को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाएँ और जो मैटर हमको उनको पोस्ट करना है ईमेल का, वो मैटर हम लोग तैयार करें कमेटी की तरफ से सबसे पहले, और वो मैटर को हम लोग सभी लोगों को भेजेंगे और उनसे ये कहेंगे कि भाई इसी मैटर को कॉपी करके आप ये दिए हुए ईमेल एड्रेस में पेस्ट करो और आपके अपने ईमेल से उसको मेल करो। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो अदा करते हैं वो हमारे यहाँ पर बैठी हुई खवातीन हजरत खवातीन जो है हमारी, वो उसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो घर बैठे अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमको मालूम है ये बात, हर घर में कम से कम 10 मोबाइल और 10 मोबाइल के अंदर पर्सनल हमारे अपने घर के अंदर, अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं समझो कि हमारे पास अभी 200 लोग बैठे हुए हैं, तो हर एक के घर में 10-10 मोबाइल, और हम अपने से ही ये मामला अगर शुरू कर दें तो हजारों ईमेल अभी हम इसी वक्त घर जाते ही हम कर सकते हैं। और खवातीन के ऊपर अगर हम ये जिम्मेदारी डालें, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी तहरीक में। शाहीन बाग इसकी असर शम्स इसकी मिसाल है हमारे पास, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं दूसरे अल्फाज में हम उसको कबूल कर रहे हैं, हमारी खामोशी उनकी खामोश हिमायत और उनकी दाइन साबित होती है। इसके लिए हमारे लिए इसको प्रोटेस्ट करना, इसके खिलाफ हिकमत अमली अपनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ तक सिर्फ सिलेबस की बात है, ये सिलेबस बुनियाद बनेगा हमारी आइंदा की नस्लों की सिलेबस के लिए, तो इसलिए जितना हम लोग अमली तौर पर इसका प्रोटेस्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद भी होगा। इसके 2-3 तरीके, जैसे आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने ईमेल आईडी के जरिए हमारे मशवरे और हमारे तजावीज़ के साथ हमारे प्रोटेस्ट भी, हमारे जो एतराज़ हैं वो भी मंगवाए हैं, और उसकी हमारे कुछ इदारों ने डिमांड की तो उसको तौसी भी की गई, एक्सटेंशन भी दिया गया। तब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्सनली पहले मेल करें और इस प्रोटेस्ट को कि इस कैंपेन में शामिल हो जाएं। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि हम खुद भी मेल करें, बाकी लोगों से भी मेल करवाएं, क्योंकि उन्होंने यह हक दिया हो, हम कुछ मांग नहीं रहे उनसे, हमको यह हक दिया गया और हमसे उन्होंने ऐलान किया है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें। तो ये पहला काम हमारा ऑफिशियल है जो हर कोई ऑफिशियल लेवल पर कर सकता है। दूसरा जो तरीका है, हम लोग सरकारी इदारों सरकारी तंजीमों को लेकर के एक मेमोरेंडम तैयार करें, उस मेमोरेंडम में तमाम लोगों की मुश्तरक तौर पर शिरकत हो और जिला कलेक्टर, कमिश्नर, शिक्षण अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर, प्रशासन अधिकारी और मिनिस्टर्स को, आप एमडी साहब यहाँ हैं तो बाकी चीज़ें बोलने की जरूरत नहीं है, वो बेहतर क्यादत कर सकते हैं और करते ही हैं, तो इंशाल्लाह इस मामले में भी वो करेंगे ऐसी उम्मीद भी है। तो ये मामला हम लोग सिर्फ 1-4 दीवारी में डिस्कशन करके सोशल मीडिया में वीडियो आ जाए और गफूर भाई की मोहब्बत में हम लोग वो वीडियो चलाएं, ये न करते हुए ये हथियार बनाएं, चैनल्स को पेपर को एक हथियार बनाएं, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक मेमोरेंडम ऑफिशियल ये दें, और ये करते हुए एक और हमारे लिए लाजमी बात आती है जो मेरा मशवरा है, आप लोग बाकी इस पर और सोच विचार कर सकते हैं, तो ये है कि ये काम करते हुए हम लोग सिर्फ मुस्लिम इदारों को और मुस्लिम स्कूल और कॉलेजेस को टारगेट न करते हुए, उनको शामिल न करते हुए जितने भी सेकुलर लोग हैं, सेकुलर इदारे हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इदारों को और कम्युनिटीज को, जो जैन कम्युनिटी है और हमारी जो अल्पसंख्यक दूसरी कम्युनिटीज हैं, भीमारी हैं, जितने भी इदारे हैं, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इन तमाम इदारों के जरिए उनका साथ लेकर, उनके साथ शाना पर शाना पर शाना जा करके हम ये काम करेंगे, तो यकीनी तौर पर इसमें हमको कामयाबी मिलेगी।
वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और सवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहां नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कॉम्पिटिशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।